वेलकम गाइस, आपका मेरे YouTube चैनल RM ऑटोमोबाइल्स में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ Hyundai की सब कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू के बारे में। आप इस वीडियो में जानेंगे इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन के बारे में, इंटीरियर फीचर्स के बारे में, इस गाड़ी में कौन सा इंजन मिलता है, कितनी पावर जनरेट करता है, कितने वेरियंट्स मिल जाते हैं और इस गाड़ी का प्राइस कितना है वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं Hyundai वेन्यू के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की। तो सबसे ऊपर में आपको इस गाड़ी में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, इसी के नीचे आपको LED DRL हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और उसके नीचे आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। सामने से देखने में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और प्रीमियम SUV का लुक देती है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। तो अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखते हैं तो ये थोड़ी सी छोटी SUV है, बट काफ़ी हद तक क्रेटा जैसा फील लुक कराती है। और साथ ही में इसमें आपको 17-inch एलॉय व्हील्स, लार्जर रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, रियर व्यू मिरर विद टर्न इंडिकेटर्स एंड ऑटोमेटिक फोल्डेबल ORVM जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की। तो इस गाड़ी में आपको 8-inch का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है। वहीं इसमें आपको एयर कंडीशन, मैनुअल स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, पेडल शिफ्ट, वायरलेस चार्जिंग, फ्रंट आर्मरेस्ट, फ्रंट कप होल्डर्स, क्लाइमेट कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, वेरिएबल फ्रंट वाइपर्स, 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट जैसे कई सारे फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। और साथ ही में आपको इस गाड़ी में ब्लूलिंक कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन से ही इस गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि अपने फ़ोन से ही आप इस गाड़ी का AC ऑन या ऑफ कर सकते हो, कार को लॉक या अनलॉक कर सकते हो, अपने फ़ोन से ही आप इस गाड़ी का इंजन ऑन या ऑफ कर सकते हो। और ऐसे ही आपको 33 कनेक्टिंग फीचर्स का ऑप्शन इस गाड़ी में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की। तो इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सील्ड बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रोड साइड असिस्टेंस जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के साइज एंड डायमेंशंस की। तो सबसे पहले इस गाड़ी के लेंथ के बारे में जान लेते हैं। इस गाड़ी की लेंथ है 3995 mm, विड्थ है इस गाड़ी की 1770 mm, हाइट है 1590 mm। इस गाड़ी का कर्व वेट है 1066 kg और इस गाड़ी का व्हील बेस है 2500 mm। और वहीं इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल जाता है 195 mm का, और इसमें आपको 350 लीटर का बूट स्पेस भी मिल जाता है। अब जान लेते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो इसमें आपको दो इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, पहला है पेट्रोल और दूसरा है डीजल। इसका जो पेट्रोल इंजन है वो 118 BHP की पावर जनरेट करता है और 172 Nm का टॉर्क देता है। इसके पेट्रोल इंजन में आपको 8 वेरिएंट मिल जाते हैं और इसके जो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको 17.52 से लेकर के 18.15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। और इसके पेट्रोल इंजन का प्राइस 6.5 लाख रुपये से शुरू करके 11.01 लाख रुपीज़ तक जाता है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के डीजल इंजन की। तो इसमें आपको 89 BHP की पावर जनरेट करता है और 220 Nm का टॉर्क देता है। इसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता। इसके जो डीजल इंजन है उसमें आपको 5 वेरिएंट मिल जाते हैं और इसके पाँचों ही वेरिएंट में 23.7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। और इसका जो डीजल इंजन है उसका प्राइस 7.75 लाख रुपीज़ से शुरू करके 10.84 लाख रुपीज़ तक जाता है। इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में 21 मई को लॉन्च किया गया था और जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है तब से लोगों की पसंद में बनी हुई है। यह अब बेस्ट सेलिंग SUV बन चुकी है, यानी विटार ब्रिज़ा को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। इस गाड़ी को जब 21 मई को लॉन्च किया गया था सिर्फ 10 दिनों में, यानी 21 मई से लेकर के 30 मई तक इस गाड़ी के 7050 यूनिट बेची जा चुकी थी। और इस गाड़ी का मुकाबला मारुति सुजुकी की विटारा ब्रिज़ा, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा SUV 300
और फोर्ड इको स्पोर्ट जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी से रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं रेनॉल्ट ट्राइबर के बारे में या फिर पिछले महीने यानी अगस्त के महीने में वो कौन सी 10 गाड़ियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा बेची गई हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मिलूँगा अगले नए वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।